जैसा कि मालूम हुआ है हम लोगों को, तो मंडल से लेकर जनपद और विधानसभा जखनिया 373 के प्रतिनिधिमंडल बहुजन समाज पार्टी का इस टणवा टप्पा सवरी गांव में उपस्थित है और यहां आकर पीड़ित परिवार से हम लोग बात किए हैं। पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया है कि निरहू लाल यादव जो सांसद है बीजेपी से, उसके घर में उसके पालतू लोग, एक लड़का गांव से रोड पर जा रहा था सादियाबाद बाजार और खींच के मारना शुरू किए। इसके बाद कुछ गांव के लोग गए तो कुछ पालतू कुत्ते रखे हैं सब, तो जिसको छोड़ दिए उनके गुरवे, और कुत्तों ने जो है कि पब्लिक को जैसे ही अपना आक्रामक रूप अपनाया तो ये लोग भागे और उसमें पकड़ के कई लोगों को सब मारे हैं। मैं बता दूं कि बीएसपी का लाइन ऑर्डर आपने देखा होगा, सुश्री बहन कुमारी मायावती की जब सरकार थी तो बहुजन समाज पार्टी या किसी दलित के साथ कोई घटना होती थी तो तुरंत वहाँ फोर्स लग जाती थी। परिवार सहमा है, यहाँ पर पुलिस भेजनी चाहिए, तो यहाँ पुलिस तो इसको आया ही नहीं, कोई फोर्स नहीं लगी है। आगे उम्मीद भी नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे। इसके लिए पीड़ित परिवार जो है बहुजन समाज पार्टी उनके मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और आगे करेगा। ये थे बीएसपी का प्रतिनिधि मंडल, गाजीपुर में आया हुआ था, हमने इनसे बातचीत किया, इन्होंने कहा जहाँ तक भी आगे जाना होगा हम जाएंगे, पुलिस कब तक मामले को दबा के रखती है, बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान के तहत जरूर परिवार को ही मारा गया है। जी हमें भी मारा गया, एक तो भाई लगेगा मतलब उसको भी मारा गया, 3-4 लोग को मारा गया, 2 महिलाओं को भी। क्या कारण रहा? हम लोग जा रहे थे मार्केट शाम से मुर्गा उर्गा लेने के लिए, तो लोग हम लोग को देख के उल्टा सीधा गाली देने लगे, चमार सियार और सब माई बहन गाली देने लगे। आप मतलब दलित जाते शब्द का भी प्रयोग? जी सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लोग गाली देने, हम लोग रुक गए गाड़ी से, तो हम लोग पूछे तो लोग हम लोग को धक्का मुक्की करने लगे और मारने की धमकी देने लगे, बाद में बांस उस निकाल के मारे भी हम लोग को, मारा भी। जी डंडा खिसकी मरने लगे, नमकी लड़ने साड़ी नंगो चंगो करे लगने लगा नमकी, फिर हमारी लड़की थी उसे भी धमका रहे थे, दुपट्टा पट्टा खींच लिए, कहे कि तुम्हें चलोगे स्कूल तो बताएंगे, फिर हम लोग रोने लगे, सब लोग ले गए बच्चे को हमारे। पहले से कोई झगड़ा वगड़ा चला था क्या? हमारे लड़के से झगड़ा नहीं था भैया, सब पास में सब बच्चे हैं, सब 4-5 लोग तो झगड़ा कर रहे थे, सब मारा पिटा रहे थे, तो वहाँ कोई दिख जाएगा गाली वोली देंगे तो चमार सी यार, अरे ढेर वो सब उल्टा सीधा बोले, तो उसी पर सब लड़के भिड़ गए। तो ये कब की घटना है ये सब? 4 बजे होली के दिन शाम 4 बजे। तो आपको कैसे पता चला कि आपके लड़के जो लोग हैं मारपीट हुआ उन लोगों के साथ? हमके गांव में औरत ने गांव में कह के बताई, हम तो घरे झाड़ू पोछा कर रहे थे, जब चले होली क्यों बीत गए तो नहा धो लें, तो लोग बोले कि तुम्हारे बता, हम कहे कि गांव में तनि में थोड़ा मड़ा हो रहा था वो, तो और इन लोग से झगड़ा होते और लोग डंडा पहना लिए थे, हम लोग कुछ भी नहीं, हम तो गए तो देखने के लिए हमारे लड़का को दाँत भी 3 टूट गया था, दाँत या वोट फट गया, मुँह से बोलना जाया था कि कुछ पूरा देख ले, जीव बौख लागल भैया, हम समझ में ना आओ कि हम का करें का ना करें। टोटल कितने लोग घायल भल हुए? 5-6 लोग। उधर से भी कि दोनों इधर ही से? उधर से कोई ना भैया, उन तो गोजी पहना लेके खुद तैयार रहने मारे खातिन की यहाँ प्लानिंग ना रहा, उन्होंने तो अपन कैले सेट पूरा बुलाए के लेको उतना बोलो रहे 10-12 ठे दूसरे गाँव का मारे पीटे खातिन के अपन पियत खात रहने लोग, दारू के नशा में रहने लोग। कुछ अपशब्द भाषा का भी प्रयोग कर गई? हाँ।